आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर के जिसको स्कूल कदमा में छात्र के अभिभावक से ठगी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत अभिभावक ने जिला शिक्षक के अधीक्षक से की है। आपको बता दें कि शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छात्र के अभिभावक ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधीक्षक से की है। बताया जा रहा है कि राजा मैथी नामक छात्र जिसको स्कूल कदमा के कक्षा 5 का छात्र है, विगत लॉकडाउन की अवधि से पूर्व ही छात्र के अभिभावक द्वारा अग्रिम 9 महीने की फीस कुल 16,515 रुपए जमा किया गया था, जिसका रसीद उनके पास मौजूद है। विगत दिनों जब आखिरी तिमाही फीस अभिभावक जमा करने पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें 6 महीने के बकाए फीस की बात कही और उन्हें छात्र का रिजल्ट देने से भी मना कर दिया। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभिभावक ने इस मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की, साथ ही स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाही करने की मांग की है। स्टूडेंट है जिसको स्कूल कदमा का, वहां का पेरेंट्स के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आपने 3 महीने का ही सिर्फ फीस जमा किया है, जबकि उस पेरेंट्स के पास 9 महीने का फीस जमा करने की रसीद है और उस रसीद को स्कूल प्रबंधन मानने से इनकार कर रहा है और उस पर कह रहा है कि आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा, ना ही आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा और हो सकता है कि आपका नाम भी रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने हमसे इस बात को और अपनी समस्या बताई और हमने अपने संगठन के जरिए जिला शिक्षा अधीक्षक के पास 10 सूत्री मांग पत्र को सौंपा है कि आगे से यह घटना किसी और अभिभावक के साथ ना हो और जिस अभिभावक के साथ यह घटना घटी है ये दोबारा उनको इंसाफ मिले और ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो और उनको अगली बार से परेशान ना करते हुए इसमें सुधार किया जाए, या स्कूल की गलती हो या फिर प्रिंसिपल से गलती हो या कहीं भी स्टाफ से गलती हुई हो, उसको प्रिंसिपल अपने संज्ञान में लेते हुए इसका सुधार करे। नाम हुआ आपका? मीरा तिवारी। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।